देखिए कोरोना काल में भीड़ लगेगी तो महामारी फैलेगी ही। कोरोना मौका नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, यही वजह है कि कोरोना काल में आस्था के मेलों में भीड़ पर सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त देश में दो बड़े मेले लगे हैं। सवाल है कि मेलों में भीड़ पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये दो तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं राजनीति के खेल में जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमको कोरोना से डर नहीं, उस बार भी कोरोना आया था तो तनिक भी हमको डर नहीं लगता है। वही है जो सुराम रचिराखा को कर तर्क बढ़ावे साका। प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, क्या आपको लगता है कि यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल संभव है, यानी मास्क का पालन हो पा रहा है, क्या सामाजिक दूरी संभव है? एक तरफ ऑक्सीजन स्टॉक बढ़ाने की तैयारी है, दूसरी तरफ भीड़ को अनुमति देकर कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ बाजारों पर सख्ती दिखा रही है सरकार, दूसरी तरफ खुद ही भीड़ वाले आयोजन करवा रही है। सवाल है आखिर क्यों? मेले के आयोजन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। याचिका में कहा है कि लाखों की भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना संभव नहीं होगा। मेले में संतों को छोड़कर आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए। लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से पहले मेले पर रोक लगनी चाहिए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मेला शुरू होने से पहले ही यहां कोरोना के संक्रमण की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ दो दिनों में यहां कुल 11 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, इनमें से 7 मेला क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी हैं। ये हाल तब है जब मंगलवार को हुई करीब 1300 जांच में अब तक सिर्फ आधी रिपोर्ट ही आई है, यानी संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में जब 14 जनवरी से यहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू होगी तो कोरोना किस रफ्तार से फैलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही साथ कोई भी बिना RT-PCR के जो 48 घंटे पहले RT-PCR की रिपोर्ट है उसके बिना नहीं आ सकता। उसके अंदर एक हम लोगों ने स्वास्थ्य जो एक हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, अन्य जगह बनाए हैं, वहाँ पे किसी को भी जुखाम या कुछ हो तो तुरंत उनको एडमिट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा। ये सुरक्षित मान होगा, ये स्वच्छ माघ मेला होगा और स्वास्थ्य और कोविड की दृष्टि से नंबर 1 माघ मेला होगा। लेकिन मंत्री जी अपने दावों का सच भी देख लीजिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं जो है डिस्टेंसिंग बना के चलता हूँ, अपनी गाड़ी से चलता हूँ, बस से नहीं चलता, न ट्रेन से चलता, नहीं डर नहीं लगता, नहीं तनिक भी कोरोना से डर नहीं, न मृत्यु से डर है। मंत्री जी को लोगों की कोरोना प्रोटोकॉल पर ये राय भी सुननी चाहिए। हमारे भगवान पे आस्था है हमारी। किसान के बच्चे हैं, खेत में नहीं डरते हैं तो हम चलने में भी नहीं डरते हैं। दावा है कि बिना चेकिंग के कोई अंदर नहीं जा पाएगा, इस दावे का सच भी देख लीजिए। मेले में हो रही इस लापरवाही का नतीजा है कि अब प्रयागराज के कई साधु संत भी माघ मेले पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मेन रोक लगाना चाहिए जो यहाँ पे जो मेला लगता है बाहर, जिसमें झूले या ये सब लगते हैं, वहाँ पे लोकल भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है, उसको प्रशासन को रोकना चाहिए और जो कल्पवासी हैं उनको एक जगह इकट्ठे करके उधर उनकी व्यवस्थाएं ठीक कर दें। मेले में अंदर अगर भीड़ नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार महामारी को देखते हुए स्वविवेक से निर्णय लें, कम से कम मेले में पहुंचे। वहीं गंगा सागर मेले के मामले में ममता बनर्जी ने प्रशासन से कहा है कि मेले में ज्यादा तादाद में लोगों को ना भेजा जाए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ज्यादा लोग मत भेजो। कोर्ट का रेस्ट्रिक्शन है वो मान के चलना हमारा हकीकत है। बाहर का जो लीडर लोग है साथ में आ रहा है, पंचायत भी आ रहा है, आप लोग उसको देखभाल करिए, जरूरत होगा तो पुलिस का भी आप सपोर्ट लीजिए। ममता ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार को एक्शन लेना चाहिए वहाँ वो सिर्फ अपील से काम क्यों चला रही है। आशंका है कि कहीं हरिद्वार कुंभ की तरह प्रशासन तब ना जाके जब मामला हाथ से निकल जाए। ABP News आपको रखे आगे।